दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके का प्रदर्शन केप टाउन के मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया है, उससे हर जगह पूरे विश्व में केवल उन्हीं की चर्चा हो रही है। और एक बार फिर से उन्होंने ये दर्शा दिया कि उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज क्यों माना जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेते हुए पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी उनकी तारीफ करते हुए अपने अपने बयान जारी किए, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या कहा साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने जसप्रीत बुमराह के बारे में अपने बयान में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और शाहिद अफरीदी में कौन है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, केप टाउन में भारतीय टीम के जल्दी से आउट हो जाने के बाद जब मैदान पर भारतीय गेंदबाजी करने के लिए उतरे, तो एक बार फिर से सभी भारतीय प्रशंसकों को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो वापसी कराएंगे इस मैच में। और भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन आक्रमण किया और भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए साउथ अफ्रीका को महज 210 रनों पर समेट दिया और 13 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली। और वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर 70 रनों की बढ़त भी हासिल कर चुकी है। लेकिन आज के दिन के आकर्षण रहे जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पूरे साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी क्रम में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर का 7वां पंजा खोला है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी करा दी उन्होंने और उनकी गेंदबाजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय गेंदबाज चौथी पारी में साउथ अफ्रीका को आसानी से समेटकर बेहतरीन जीत अपने नाम करेंगे। लेकिन वही दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के द्वारा किए गए इस शानदार प्रदर्शन पर पाकिस्तान के पूर्व महान गेंदबाज वसीम अकरम ने अपना बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से आज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका में गेंदबाजी की है, मुझे तो उनकी गेंदबाजी देखकर बहुत मजा आया। और जिस तरीके से उन्होंने एक एक करके साउथ अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है, मेरे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि मेरी नजर में जसप्रीत बुमराह विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है, जिन्होंने आज के दिन अपने इस प्रदर्शन से साबित भी कर दिया। पर मैं खुद भी उनकी गेंदबाजी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, जिस तरीके से उन्होंने आज 5 सफलताएं अपने नाम की हैं, वो सच में काबिले तारीफ है। दोस्तों, वसीम अकरम के बाद पाकिस्तान के पूर्व महान खिलाड़ी इमाम उल्लक ने अपना बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी करके एक बार फिर से भारतीय टीम को बचा लिया और उनकी गेंदबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो साउथ अफ्रीका की किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर टिकने नहीं देंगे। और मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज को चोटिल ना कर दें। उन्होंने जिस तरीके से आज गेंदबाजी की है, उससे ये साबित हो जाता है कि वो भारत के सबसे प्रमुख हथियार हैं और मुश्किल समय में उन्होंने गेंदबाजी करके मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और एक बेहद ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है। वहीं दोस्तों, वसीम अकरम और इमाम उल्लक के बाद विश्व के सबसे महान तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपना बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से बुमराह ने आज केप टाउन में गेंदबाजी की है, मेरे लिए उनकी तारीफों में अल्फाज कम है, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए विकेट आज बेहद ही बहुमूल्य है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने 5 बल्लेबाजों को आउट किया है, भारतीय टीम उस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी, क्योंकि वो मेरा आखिरी पारी में भी जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले हैं और मुझे उनके अंदर हमेशा से ही सीखने की भूख दिखाई देती है और यही वजह है कि वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को आसानी से आउट कर लेते हैं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के इस प्रदर्शन पर पूरे विश्व क्रिकेट में उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ में कसीदे पड़े हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि वो हमारे पड़ोसी देश में भी काफी ज्यादा चर्चा में है और वहीं उनके प्रशंसक वहां भी काफी ज्यादा हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथी पारी में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।